ये भी पूरी बनाओ रोली। सो सुनील बिन, आप पैरालंपिक्स जा रहे हैं प्लेइंग टेबल टेनिस, कितना एक्साइटेड हैं आप फॉर दिस कॉम्पिटिशन? मैं ये सेकेंड टाइम पैरा ओलंपियन हूँ और मुझे मैं कॉमनवेल्थ और एशियन गेम मेडलिस्ट हूँ और मुझे बहुत ही एक्साइटेड है वो देखते हो गए आप मेरे वो हो गए हैं कि मुझे मेरी अभी 4 साल की जो मेहनत है उसको दिखाने का अभी वक्त आ गया है। तो हम अभी इंडिया के लिए मैं कोशिश करूंगी कि मैं मेडल जीत जा रही हूँ पैरालंपिक। कितना ज्यादा एक्साइटेड है? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ सर, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट ओलंपिक है। इसके पहले मैं बहुत दिन से ट्राई कर रहा था, बहुत खेल रहा था, वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2 खेला हूँ मैं अभी। मेरा ये जो इसके लिए बहुत प्रिपरेशन मैंने की है, एक्साइटमेंट तो बहुत ज़्यादा है मुझे कि कभी एक बार उधर जाता हूँ, उधर खेलने को मिलता है, ऐसा मुझे लग रहा है। आपसे दूसरा क्वेश्चन है, पिछली बार इंडिया ने 19 मेडल्स जीता था, दिस वाज वेरी हिस्टोरिक। इस बार आप अपने एथलेटिक्स कंटेंजेंट और ओवरऑल इंडियन कंटेंजेंट से क्या उम्मीदें हैं? कितना मेडल? मैं तो अभी छोटा प्लेयर हूँ, मैं फर्स्ट टाइम खेलने को जा रहा हूँ, मैं तो ये बता नहीं सकता। हाँ, लेकिन इंडिया मेरे से एक्सपेक्ट कर रहा है और मैं उस पर खरा उतरूंगा। क्या प्रिपरेशन रही है, कैसी प्रिपरेशन रही है? प्रिपरेशन तो मेरी बहुत अच्छी रही है, मेरे कोच साहब, मेरे सब डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, फिजियोज, सब ने मेरे पे बहुत मेहनत की है और पैरालंपिक कमिटी ऑफ इंडिया, पैरालंपिक कमिटी ऑफ महाराष्ट्र, उन्होंने मेरे पे बहुत मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत की है। तो देखते हैं अभी ओलंपिक में अच्छा परफॉर्म करें और होप कि गोल्ड ही लेके आए। गवर्नमेंट ने स्पोर्ट्स पर्सन को बहुत हेल्प किया है एंड कोई भी हेल्थ में, नो मैटर व्हाट स्पोर्ट, कोई भी मतलब वो नहीं होता, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। तो अभी तक टॉप स्कीम खेलो इंडिया, अभी स्वयं के एक्सेसिबिलिटी मेजर्स, ये सब अब बताइए कि आपका क्या क्या हेल्प हुआ है, किस किस वे में आपको बेनिफिट्स मिले हैं? हाँ, मैं 2007 से पैरा में खेल रहा हूँ, तो पैरा एथलेटिक्स में जब स्टार्ट किया तब से मतलब मुझे सब पॉजिटिव ही चीज़ें मिली है। जैसे 2019 से सब मतलब सब मिल रहा है हमको, मैं भी 2022 से टॉप्स में हूँ, तो इंडियन गवर्नमेंट से सब मिल रहा है जो एबल एथलीट्स को मिलता है और जो सब फैसिलिटीज अगर हमको मिलती है तो हम क्या क्या कर सकते हैं। ये पिछले ओलंपिक में भी हमने पैरा एथलीट्स ने दिखाया है और इस बार भी आप देख लो कि जब हमको सब कुछ मिलेगा, मतलब सब फैसिलिटीज जो सब एबल बॉडी वालों को मिलता है वो पैरा वालों को भी मिल गया, तो हम बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हमारा आता है और उससे बहुत मेडल हमारे बढ़ते हैं। तो होप कि इस बार भी हमारा वही हो कि अच्छा खेले हम सब और अच्छा रिजल्ट आए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, ऑल द वेरी बेस्ट।